हे गाइस, मैं स्टैंड यू आर वाचिंग द हैटेक यूट्यूब चैनल। वेलकम आप सभी का एक और नई वीडियो में। अब हर किसी के इतना बजट नहीं होता कि वो एक अच्छा गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग पीसी बिल्ड कर सके, एंड सब हाई एंड बिल्ड नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक बजट बिल्ड बताने वाला हूं अंडर 20,000 रुपीज। अगर आप लोग का बजट 20,000 रुपीज है तो आज की वीडियो में आप लोगों को एक काफी बजट सेगमेंट का पीसी बिल्ड बताने वाला हूं, जिसमें आप लोग 720p से 1080p मीडियम लेवल की गेमिंग कर सकते हो। आराम से आप लोगों को 60+ FPS देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन आप लोग अमेज़न लिंक मिल जाएगा। हमारे जो अमेज़न लिंक से अगर आप कुछ भी शॉपिंग करोगे उससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। सो विदाउट एनी For that time, let's start this video. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे हम जितने भी पार्ट्स को यूज करने वाले हैं वो सारे सारे न्यू पार्ट्स होने वाले हैं। अब अगर आप लोग 20,000 के अराउंड पीसी बिल्ड करो तो आप लोगों के पास सिर्फ दो ही चॉइसेस है, या फिर आप लोग यूज पीसी पार्ट के साथ में बिल्ड करो या फिर आप लोग सारे न्यू पार्ट बाय करो। बट हर कोई यूज पीसी पार्ट बाय नहीं कर सकता है करंटली। अभी के टाइम में पीसी बिल्ड के प्राइसेस काफी कम हो चुके हैं, तो आप अभी के टाइम में एक बजट सेगमेंट का बिल्ड कर सकते हो। एंड इस वीडियो में सारे सारे न्यू पार्ट्स को इंक्लूड करने वाला हूं, एंड ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली उन लोगों के लिए जो लोग 20,000 रुपए के अराउंड एक पीसी बिल्ड करने की सोच रहे थे। एंड हो सकता है अगर आप लोग यूज पीसी पार्ट को बाय करो तो आप लोग ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। बट हर कोई यूज पीसी पार्ट के साथ बिल्ड नहीं करना चाहता है, तो इसी वजह से मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारे न्यू पार्ट्स बताने वाला हूं। एंड मेक श्योर कंक्लूजन जरूर देखना, वहां मैं काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं एंड वो आपको काफी हेल्प करेगी। एंड ये जो पीसी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसमें मैंने परफॉर्मेंस में फोकस करा है एज कम्पेयर टू द लुक्स। एंड यहां पे हम लोग पावर सप्लाई, कैबिनेट एंड स्टोरेज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे सो दैट आप लोगों को अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। एंड छोटी सी वीडियो होने वाली है, मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। सो अब हम बात लेते हैं कि हमने इस पीसी बिल्ड में क्या क्या पार्ट्स को इंक्लूड करा है। सबसे पहले हम लोग बात लेते हैं कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट आप लोग कोई भी ले सकते हो अंडर 3,000 रुपीज। आप लोग चाहो तो 2,000 रुपए के अराउंड भी कैबिनेट ले सकते हो। यहां पे आप लोग अमेज़न में काफी सारी चॉइसेस देखने को मिल जाती है, आप लोग कोई भी बाय कर सकते हो। लेकिन इस टॉपिक को मैंने दो वीडियोस डेडिकेटेड बना रखी है, उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पे मैंने आप लोगों को 2,000 से लेकर 5,000 रुपए के अराउंड के कैबिनेट्स के बारे में बताया है। तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हो, वो वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो कैबिनेट के लिए मैंने मैक्सिमम बजट रखा है 3,000 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं पावर सप्लाई के बारे में। पावर सप्लाई आप लोग कोई भी ले सकते हो, आप लोग एंटी स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हो, एंटे की तरफ जा सकते हो। बट यहाँ पे हमारा बजट काफी स्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की VS450L को इंक्लूड कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पे 500L को भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितनी पावर चाहिए। एंड प्राइसिंग की बात करें आप लोग आराम से 1,500 रुपीज से 2,000 रुपीज के अराउंड कोई भी PSU देखने को मिल जाएगी 500 वॉट की। एंड इस टॉपिक के ऊपर मैंने दो डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जहां पे मैंने आप लोग को वीडियो में PSU बाइंग गाइड दी है एंड एक वीडियो में मैंने आप लोगों को सारी PSUs को कवर करा है अंडर 10,000 रुपीज। तो वो दोनों वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो दोनों वीडियो भी आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, तो मेक श्योर जाके एक बार चेक कर लेना। सो अब हम बात लेते हैं हम लोगों ने इस बिल्ड में कौन सा प्रोसेसर यूज किया है। यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया राइजन 3 3200G, जिसमें आप लोगों को रेडियन वेगा 8 ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, 4 कोर 4 थ्रेड देखने को मिलते हैं, 3.6 GHz की यहाँ पे आपको बेस क्लॉक देखने को मिलेगी, 4 GHz की बूस्ट क्लॉक देखने को मिलेगी, 6 MB की कैश मेमोरी देखने को मिलती है। एंड ये प्रोसेसर आप लोग को 720p से 1080p लेवल की मीडियम लेवल की गेमिंग करवाने के कैपेबल है। आप लोगों को थोड़ा सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, बट आप लोग स्टिल इस प्रोसेसर में गेमिंग कर सकते हो। एंड अभी के टाइम में जो इस प्रोसेसर का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 7,000 रुपीज। यहाँ पे आप देखते हो, यहाँ पे आप लोगों को 500 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो आप लोग आराम से 7,000 का मिल जाएगा। एंड मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को 8,000 का भी मिल रहा है तो भी ये काफी अच्छी डील रहेगी। एंड इस बिल्ड के लिए एक परफेक्ट प्रोसेसर रहेगा, तो आप लोग इसे इंक्लूड कर सकते हो अपने बिल्ड में। अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन सा मदरबोर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक बेसिक A320M मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं। आप लोग कोई भी मदरबोर्ड ले सकते हो, लाइक आप एजरॉक का ले सकते हो, MSI का ले सकते हो, गैलेक्सी का ले सकते हो, ASUS का ले सकते हो। आप लोग के पास काफी सारे चॉइसेस है, जो आपको कम प्राइस में देखने को मिल रहा है वो आप ले सकते हो। बस ये चीज याद रखना कि आपके जो बायोस है वो अपडेटेड रहे थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर्स के लिए। एंड यहाँ पर आप लोग कोई भी ले सकते हो, MSI का A320 ले सकते हो, ASUS का ले सकते हो, एजरॉक का ले सकते हो। प्राइसिंग की बात करें आप लोग को आराम से 5,000 से 6,000 रुपए के अराउंड आराम से मदरबोर्ड देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी मेमोरी यूज करी है। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं XPG के डाटा गेमिक्स D30 8GB की सिंगल स्टिक, जो कि काफी अच्छी रैम स्टिक है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2,100 रुपीज की देखने को मिल जाती है। आप लोग कॉर्सर के वेंजन सीरीज के साथ भी जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कम प्राइस में देखने को मिल रही है। स्टोरेज में हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले 240GB की SSD, यहाँ पे आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो, क्रूशियल के साथ जा सकते हो, WD के साथ जा सकते हो, किंगस्टन के साथ जा सकते हो, एंड और भी काफी सारे ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें आप लोग को आराम से 1,800 रुपीज से 2,000 रुपीज 240GB की SSD देखने को मिल जाती है। एंड मैं यहाँ पे करंटली यूज कर रहा हूँ क्रूशियल की BX500 480GB वाली SSD, तो आप लोग यहाँ पे 240GB वाला वेरिएंट ले सकते हो, 1,800 रुपीज का आपको मिल रहा है। या फिर अगर आप लोग चाहो तो हार्ड ड्राइव भी बाय कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप लोग एक न्यू बिल्ड कर रहे हो तो आप लोग एक SSD ही बाय करना, इन फ्यूचर आप लोग एक हार्ड ड्राइव अपग्रेड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में एक SSD ही बाय करना। लेकिन अगर आप लोग अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो आप लोग दोनों भी बाय कर सकते हो। सो मैंने आप लोगों को सारे पार्ट्स बता दिए, अब आते हैं कंक्लूजन में। एंड अब मैं आप लोगों को काफी सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप लोग का बजट 20,000 रुपीज है, अगर आप लोग 20,000 रुपीज के अराउंड एक अच्छा पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो, आप लोग अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए अपने पीसी से, तो आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो अपनी पावर सप्लाई में, कैबिनेट में, या फिर आप अपने स्टोरेज यूनिट में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ये सब चीजें आप लोग इन फ्यूचर बाय कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में अगर आप लोग एक बेसिक बिल्ड करना है तो आप लोग मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, ये सब चीजें मैंडेटरी रहती है। तो इन सब चीजों में आप चिप आउट मत करना। आप लोग चिप आउट कर सकते हो अपने कैबिनेट में, पावर सप्लाई में। पावर सप्लाई में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर आप लोग एंटी स्पोर्ट्स की VS450L भी लेते हो तो वो भी एक काफी अच्छी पावर सप्लाई है फॉर द प्राइस। एंड आप लोग स्टोरेज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग सिर्फ एक 240GB SSD लगाना। इन फ्यूचर आप लोग एक M.2 NVMe SSD लगा सकते हो, या फिर एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हो।
सकते हो। एंड इस चीज से होगा कि आप लोग की जो पीसी की कॉस्ट रहेगी वो 20,000 से 21,000 रुपीज के अराउंड ही रहेगी। एंड कैबिनेट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आप लोग को कैसे लुक्स चाहिए, कितने फैंस चाहिए, वो सब आप अपने हिसाब से दे सकते हो। बजट 2,000 से 3,000 रुपीज के अराउंड मैंने रखा था। एंड जितने भी मैंने आप लोगों को पार्ट्स बताए उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड जितने भी वीडियोस मैंने आप लोगों को बताई थी उन सभी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो वीडियोस भी आपको काफी हेल्प करने वाली है। एंड फॉर द प्राइस ये पीसी आप लोगों को काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है गेमिंग में, वीडियो एडिटिंग में। एंड इवन आप लोग यहाँ पे स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो 720p सेटिंग्स में। अब अगेन आप लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो कि आप लोगों को कौन सा पार्ट चाहिए कौन सा पार्ट नहीं चाहिए, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड ये थे आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट से वीडियो अपलोड होती है। एंड अगर आप लोग कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, नीचे आप कमेंट से पूछ सकते हो। अमेज़न लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे बाय लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोग हमारे दिए अमेज़न लिंक से कुछ भी शॉपिंग करोगे उससे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करा, मेक श्योर ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोग आपसे एक और वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।